भारत सहित कई अन्य देशों में आज दिखाई दिया आंशिक सूर्य ग्रहण। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को करेंगे संबोधित। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आदि भी करेंगे शिरकत। मिश्र की राजधानी कायरो में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में रोहतक की पायल खत्री ने 2 पदक जीतकर किया देश का नाम रोशन। घर लौटने पर परिजनों ने किया जोरदार स्वागत। और फसल अवशेष न जलाने के लिए सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता कर रहे किसानों को जागरूक। स्वयं ट्रैक्टर चलाकर पराली की गांठ बना किसानों को पराली प्रबंधन करने का किया आह्वान। सूर्य ज्ञान पे ब्रह्म सरोवर पर काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु लोग आ चुके हैं जो अब भी स्नान कर रहे हैं। शुद्ध फिर सूर्य ज्ञान लगने पे स्नान करेंगे, फिर सूर्य ज्ञान का जब मोक्ष हो जाएगा उसके बाद भी स्नान करेंगे, तो लोग 3-3 दफ़ा यहाँ पर स्नान करेंगे। अभी भी काफ़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं पीछे। जी, श्रद्धा और भक्ति के पर्व इस महाकुंभ सूर्य ग्रहण के ऊपर सारे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और इनके लिए जो भी पानी की व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से की हैं ताकि लोग श्रद्धामय ढंग से पूर्ण श्रद्धा से अपनी जो भी है डुबकी लगा पाएँ और सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर दुरुस्त हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं। और जिला मुजफ्फरपुर से आए हैं बिहार से और हम लोग कुरुक्षेत्र पे यहाँ स्नान करने आए हैं। आज सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य पे बहुत ही उत्तम मोक्ष का दिन है। ऐसा माना जाता है कि बनारस के ऊपर जो आदमी मृत्यु के लिए आते हैं वह वास करने, जो आज ग्रहण स्नान करेंगे उसकी फल की प्राप्ति बराबर होती है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र इस सरोवर नदी में अपना स्थापना स्नान करने के लिए मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कुछ मन की भावनाओं को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। देश और दुनिया में जो होने वाली है कि सूर्य ग्रहण है इस साल का, वैसे तो ये पहला ही ग्रहण है क्योंकि हमारे भारत में तो दिखाई देगा और 27 साल के बाद में ये ऐसा संयोग बना है, तो अपने आप को सूर्य ग्रहण की जो ग्रहणता से अपने आपको बचाए रखना है और इस
के निमित्त ही अन्नकूट का प्रसाद जो रहेगा वो कल रहेगा। धार्मिक कार्य और जो भी है मांगलिक कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे और अपने मंदिरों में बैठ करके आप पूजा पाठ, कोई सुंदरकांड पाठ है, कोई रामायण पाठ है, कोई हनुमान चालीसा है, वो आप कर सकते हैं, उसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, सप्तक लग चुका है और ज्ञान है बहुत जोर का, सबने भगवान का नाम ले पढ़ा है, दोष किसी पर नहीं पड़ा सर, ताकि आपकी सबकी भगवान कामना पूर्ण करे। सत्ताईस अक्टूबर को फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन उत्थान रैली को लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर रैली की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उनके साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम विधायकगण भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 27 अक्टूबर को पहली बार फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक रैली को लेकर तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले 8 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। रैली में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय रेल मंत्री, हरियाणा के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम सांसद और मंत्री तथा विधायकगण उपस्थित रहेंगे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए आप सबको निमंत्रण करने आए हैं। पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हमारे विधायक, हमारे जिला के संगठन के सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का सब इस रैली में जी जान से जुटा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, आप देखेंगे ऐतिहासिक रैली होगी भीड़ के हिसाब से भी और व्यवस्था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ब्रह्म कुमारी के 85वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। समारोह को उपराष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और अब देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत आज के दिन किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जब सबसे बड़ा संकट आया कोविड का, तब भी भारत ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए दुनिया के देशों की सेवा की। मैं आग्रह करूंगा अपने मीडिया से, एंड आई विल मेक अ ग्रेट अपील टू देम, लेट अस सेलिब्रेट राइज ऑफ इंडिया। ये दिवाली तो बहुत ही सुखद है। गत सप्ताह पहले भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। जिन लोगों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनकी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है और आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए, इस दशक के अंत में हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। मिस्र की राजधानी कायरो में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में रोहतक के इस्माइला गांव की पायल खत्री ने देश का नाम रोशन किया है। पायल ने एकल प्रतियोगिता में कांस्य और युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। गांव लौटने पर पायल का जोरदार स्वागत किया गया। अब उसका अगला लक्ष्य ओलंपिक में खेलना है। पायल खत्री ने बताया कि बड़े भाई से ही उसे निशानेबाजी की प्रेरणा मिली, फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतने शुरू किए तो परिजनों ने भी हौसला अफजाई की। मैंने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस अनुभव पर। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा इजिप्ट कायरो में। मेरा पहले इंटरनेशनल मैच था तो मुझे थोड़ी पहले घबराहट हुई, पर मुझे सबकी कई हुई बातें याद आई कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हम काबिलियत की वजह से वहाँ तक पहुँचे तो खेल के तो आएंगे अच्छे से। गाँव वालों ने और फैमिली फ्रेंड्स सब ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। हमारी अकेडमी से सारे बच्चे आए हुए थे, कोच हैं हमारे।
वहीं पायल की मां सुनीता खत्री ने कहा कि वह पायल को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती हैं क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही तेज है, लेकिन पायल ने अपने बड़े भाई को निशानेबाजी करते देख ठान लिया था कि वह भी इस खेल में हाथ आजमाएगी। वहीं पायल के प्रशिक्षक ने कहा कि पायल ने जब प्रशिक्षण शुरू किया था तो उन्हें एहसास हो गया था कि उसका निशानेबाजी के खेल के प्रति काफी लगाव है। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए मैं सोचा कुछ आईएएस ऑफिसर बनाने की। भाई के गेम को देखकर इसने सोचा कि मैं भी खेल लूँ। चुप चुप के प्रैक्टिस करती थी और फिर एक भाई के साथ जाती थी तो अच्छा करती थी, इसलिए सोचा कि इसको गेम में भी डाल दें। वर्ल्ड चैंपियनशिप कायरो में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने से हमको काफ़ी खुशी हो रही है। हमने देखा कि ये गुड़िया भी अच्छा कर सकती है, इसको वहाँ पे चलाते हुए देखा, तो तब से हमने इनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि भाई इस लड़की को भी आप अगर शूटिंग में उतारें तो अच्छा रहेगा, जबकि वो चाहते थे कि ये गुड़िया आईएएस बने। इनका सेंट स्टीफन में ऑलरेडी एडमिशन है जो कि एक बड़ा ही रेपूटेड कॉलेज है, बट स्टिल इसने उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत समय निकाल कर और अपने इनके पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से जो हमको समय मिला, परिणाम आप आज देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम जाते हुए एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीतना, इट इज काफ़ी बड़ी उपलब्धि। फसल के अवशेष नहीं जलाने के मामले में कृषि विभाग सख्ती के मूड में है। अब तक फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 37,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। किसानों को जागरूक करने के लिए सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता भी बुर्ज कर्मगढ़ पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उपायुक्त ने खुद ट्रैक्टर चलाकर पराली की गांठें बनाई व किसानों से आह्वान किया कि किसान पराली के अवशेषों को न जलाए। इस अवसर पर उपस्थित किसानों ने उपायुक्त को पराली न जलाने व अन्य किसानों को जागरूक करने का आश्वासन भी दिया। धान के बाद जो पराली जलाने के जो मुद्दे आते हैं उन पर जागरूकता पैदा करना, और मेरा जो है मीडिया के थ्रू लोगों से यही अपील है सिरसा जिले के जितने हमारे किसान भाई हैं कि धान के बाद पराली ना जलाएं। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं जिसमें कई मशीनें जो है दी गई हैं, चाहे वो बेलर हो, सुपर सीडर हो, जो है CSCs को उपलब्ध करवाए गए। उसके अलावा जो है एक C2 in C2 मैनेजमेंट के लिए भी जो है सरकार 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है। इसके साथ जो हमारे कृषि विभाग है वो भी जो है जितने भी हमारे पराली प्रबंधन के जो प्रयास है उनको गौशाला के साथ और जो ये मशीनें हैं उसे टाइप करा रहे हैं। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि फसल अवशेष जलाने वालों पर अब विभाग व प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को खेत में धान की पराली को मिट्टी में मिलाने व गांठे बनाने के लिए भी 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिरसा जिले में हम लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि फसल अवशेष न जलाएं, उसके लिए हम कैंप भी लगा रहे हैं और प्रभात फेरी भी स्कूल में लगा रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी ICA एक्टिविटी के तहत हमारी 5 वैन भी चल रही हैं जो गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं। किसानों ने बताया कि इस बार भी वह पराली को नहीं जला रहे हैं, इनकी गांठें बनवा रहे हैं। सभी किसानों से वह यही अपील करेंगे कि गांठें बनाएं और पराली को ना जलाएं, क्योंकि इससे न तो प्रदूषण बढ़ेगा और कीट मित्र भी बचे रहेंगे। अभी कहां भी मदरा गना लाओ जी, मतलब पराली में इन्हों गठा बना के मतलब बेचो, जहाँ कमी करो, मतलब किसी हिसाब भी इन्हों अग ना लाओ। गौशाला वाले दान कर देंगे जी, मतलब आखनगे तो सुट देंगे। हाँ जी, गठा बना रहे हैं जी, ये पैदावार बढ़ती है जी, कोई नुकसान नहीं होंगे, दरख्त नहीं मजते, होर आई बार ही बनवाने जी। आए असी गठा बनाने पराली दी जी, अग नहीं लाते जी, भी गठा बना के असी गौशाला दे देने, अग ना प्रदूषण फैलता जी, होर भी बांधता हो जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सहित कई अन्य देशों में आज दिखाई दिया आंशिक सूर्य ग्रहण। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को करेंगे संबोधित। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आदि भी करेंगे शिरकत। मिश्र की राजधानी कायरो में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में रोहतक की पायल खत्री ने 2 पदक जीतकर किया देश का नाम रोशन। घर लौटने पर परिजनों ने किया जोरदार स्वागत।
और फसल अवशेष न जलाने के लिए सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता कर रहे किसानों को जागरूक। स्वयं ट्रैक्टर चलाकर पराली की गांठ बना किसानों को पराली प्रबंधन करने का किया आह्वान। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।